देसी मुर्गी से आप अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम में आप इजाफा कैसे कर सकते हैं। हाय दोस्तों, मैं आपका सुरेश। आज हम बात करने वाले हैं देसी मुर्गी पालन से हम कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बता देना चाहता हूं मेरे दोस्त कि हमारे चैनल का उद्देश्य है कि आप तक रोजगार पहुँचाना, नए नए रोजगार की जानकारी देना, ताकि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे। तो दोस्तों, देसी मुर्गी एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप कहीं भी कभी भी किसी भी माहौल में किसी भी मौसम में बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस ज़्यादा जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं मेरे दोस्त। हमारे आसपास आप देखे होंगे कि कई लोग दो चार देसी मुर्गी अपने शौक के लिए पाले रहते हैं, ना तो वो ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं ना ज़्यादा देख रेख करते हैं, बस सुबह के वक्त छोड़ देते हैं, वो खुद ही अभी अपना पेट भर के शाम को घर वापस आ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है मेरे दोस्त कि देसी मुर्गी आप किसी भी माहौल में किसी भी मौसम में बहुत ही आसानी से पाल सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में कोई भी मुर्गी बहुत ही आसानी से पाली जा सकती है। देसी मुर्गी में बीमारियाँ बहुत ही कम आती है, बहुत ही कम चांसेस रहते हैं इनमें बीमारियाँ आने के। आप इसे दो तरह से पाल सकते हो। पहला, आप इसे खुले में छोड़कर घर का बचा खुचा खाना देकर। दूसरा, आप ब्रॉयलर मुर्गी की तरह इसे पाल सकते हो। इसके लिए आपको बाजार से दाना खरीद कर लाना पड़ेगा, इसमें कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। दोनों तरह के पालन अपने अपने जगह बहुत ही सही हैं। जैसे आप खुले में पालते हो तो इसमें खर्च ना के बराबर रहेगा, क्योंकि वो दिन भर अपना कीड़े मकोड़े घास फूस खाकर वो अपना पेट भर लेगी। और दूसरा, ब्रॉयलर की तरह पालोगे तो उसमें दाना लगेगा, बाजार से दाना खरीद कर लाना पड़ेगा, तो इसमें कॉस्ट बढ़ सकता है। दोनों तरह के पालन अपने अपने जगह सही हैं। बाजार के फीड से पालोगे, मतलब ब्रॉयलर की तरह पालोगे, तो ये मुर्गी कम समय में तैयार हो जाएगी। और वही आप खुले में पालोगे जीरो कॉस्ट पे, तो उसमें कुछ ज़्यादा समय लग सकता है, और कुछ दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। देसी मुर्गी को आप अगर खुले में पालोगे तो ग्राहक बहुत जल्द ही अट्रैक्ट होता है, क्योंकि उनका मानना है कि खुले में पली हुई मुर्गी में स्वाद बहुत ही अच्छा रहता है। बहुत से लोग देसी मुर्गी का पालन कर रहे हैं और अच्छा खासा मुनाफा कमा रहे हैं। देसी मुर्गी का कोई रेट फिक्स नहीं रहता, आप अपने क्षेत्र के हिसाब से देसी मुर्गी का रेट रख सकते हैं। इसका भी मांग बहुत ज्यादा है, बस ग्राहक को सही रेट और सही चीज नहीं मिल पाता। बहुत से लोग बोलते हैं कि फार्मिंग से पहले सेल आउट की जानकारी लो, तो उनका भी मानना सही है, मगर मेरे दोस्त, देसी मुर्गी का ग्राहक आपको कहीं भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। फार्मिंग करने से पहले आप थोड़े से मुर्गी से स्टार्ट करें, मतलब कि 150 मुर्गी से स्टार्ट करें, ताकि आपको अगर कुछ होता है तो उसमें ज़्यादा लॉस ना हो। इस पे आप धीरे धीरे सीख पाएंगे कि कैसे मुझे मुर्गी पालना है, इसकी पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, और कैसे सेल आउट करना है ये भी आपको जानकारी हो जाएगा। मान लो कोई मेरे भाई कुछ काम कर रहा है, व्यापार कर रहा है या नौकरी कर रहा है, और वो साइड बिजनेस की तरह करना चाहता है, तो ये बहुत ही बेस्ट है। इसमें आप बहुत ही कम समय देकर फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। देसी मुर्गी पालन करने से पहले अपने क्षेत्र, अपने बाजार, अपने आसपास के फार्म में विजिट करें, जाएं, देखें कि वहाँ पर किस तरह मुर्गी पाली जाती है, किस तरह बाजार में मुर्गी सेल किया जाता है, क्या रेट चल रहा है, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। देसी मुर्गी के बहुत सारे ब्रीड होते हैं, कुछ तो मीट के लिए होते हैं, कुछ अंडे के लिए होते हैं, कुछ दोनों के लिए होते हैं। शुरुआत में आपके लिए कौन सा ब्रीड अच्छा रहेगा, कौन सा आपके क्षेत्र के लिए सूटेबल रहेगा, तो मैं आगे इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को, हम इसी तरह के वीडियो लाते रहते हैं, और वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना ना भूलना, और अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। धन्यवाद।